नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पल्लवी सरीन। पुलवामा अटैक और बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद इंडिया और पाकिस्तान में एक टेंसी सिचुएशन बनी हुई थी, जहां सरकारें तो गुस्से में थी ही, लोगों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा और तनाव दिख रहा था। सरहदों पर एक टेंसी सिचुएशन बनी हुई थी। लेकिन आप जानकर बहुत हैरान होंगे कि इस सब के बावजूद पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पैगाम अमन बस सर्विस चलती है वो चल रही थी। LoC क्रॉस करके जो पैसेंजर्स हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जा रहे थे, वहाँ से जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रैवल करके पुंछ में आ रहे थे। और हालांकि कि इन दो रीजन्स में ट्रेड भी बरकरार था, लेकिन पिछले दो हफ्तों से ये बस सर्विस शट डाउन थी, सस्पेंडेड थी, क्योंकि पुंछ के इलाके में एक 5 साल की बच्ची और 3 BSF के जवान पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से शहीद हुए थे और 24 अन्य लोग घायल भी हुए थे। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि 15 अप्रैल यानी कि मंडे से ये बस सर्विस वापस शुरू हो गई है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पुंछ के इलाके में ट्रैवल और ट्रेड वापस से शुरू हो चुका है। ये बात साफ जाहिर करती है कि सरकारों में मतभेद हो सकता है, सरहदों पर तनाव भी हो सकता है, लेकिन इन रीजन्स में जो लोग रह रहे हैं वो अभी भी अमन और प्यार के साथ रह रहे हैं और अमन की ही बात करते हैं।